जो है जैसे जरदारी साहब जब गए थे और जरदारी साहब ने कहा भी था कि वहां पर कोई ऐसा निजाम पानी का भी कोई कायम किया जाएगा, बाकी भी कोई मुस्तकिल हल तो होगा इस इलाके का, कि ये इसके इलाके का कोई हल नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा कयामत तक। देखिए मौलाना साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब उसके लिए देखिए एक चीज है कि एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान तक इसका हल सिर्फ एक ही है कि रेगिस्तान तक पानी पहुंचाया जाए। मतलब जो हमारा इरिगेशन का पानी आता है वो इतना मिकदार में नहीं है कि वहां तक पहुंच सके। अब उसके लिए जो गवर्नमेंट जो कर सकती है वो गवर्नमेंट कर रही है कि सबसे पहली बात ये है कि हम लोग डिपेंड कर रहे हैं कि वहां पे जो पीने का जो सबसे बड़ा पानी है, क्योंकि काश्तकारी के लिए लोगों को ना मिले तो वो भी बहुत बड़ा अजाब है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पीने का पानी मिलना चाहिए। इस वक्त तक भी मैं आपको बताऊं कि हजारों की तादाद में आरओ प्लांट लगाए गए हैं, और क्योंकि थरपाकर की स्केटेड आबादी है, क्योंकि मेरा वो हल्का रहा एक दफा, तो मैं बताऊं कि पूरी स्केटेड आबादी दूर दराज इलाकों में 10-10, 20-20, 25-25 गांव भी घरों के गांव बने हुए हैं, वहां तक लोगों को सारी सहूलतें पहुंचाना गवर्नमेंट के लिए इट इज इम्पॉसिबल। अगर आप पूरे पाकिस्तान के 10 बजट भी थरपाकर पर सिर्फ फोकस करके लगा दे तो आप थरपाकर के लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्या किया कि जहां तक बिजली पहुंचा सके वहां पे बिजली पहुंचा के आरओ प्लांट लगाए। अब हम लोगों ने कुछ 750 वहां पर सोलर आरओ प्लांट लगा रहे हैं जो कि सोलर एनर्जी पे काम करेंगे, एटलीस्ट लोगों को पीने का पानी मिले, जो जहरीला पानी कुएं का, क्योंकि जब बरसात नहीं पड़ती तो कुएं के पानी की मिकदार कम हो जाती है और फिर बिल्कुल येलो कलर का जहरीला पानी हो जाता है। तो पहले तो हम लोगों को पीने का पानी वहां पहुंचा रहे हैं, जो सबसे बड़ी हमारी। अल्लाह करे शदीद मेमन साहब कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये पूरी हों और लोगों को। मैं आपको बातें बता रहा हूँ, वो चीजें गवर्नमेंट चीजें वो कर रही है, मैं तो वो बात बता रहा हूँ। मैं कोई इस वक्त अखबारी बयान या टीवी पे टिकट के लिए या स्टेटमेंट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस है। हम चाहते हैं कि वहां के लोगों के जो पसमानदा इलाका है उनके भी हकूक है, वो भी वही चीज डिजर्व करते हैं जो शहरी इलाकों में लोग करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट वो सारे काम कर रही है, सारे अहकाम ले रही है जिसके जरिए इन चीजों को ठीक कर सके, और अभी भी गवर्नमेंट की यही कोशिश है। अब उसमें जहां तक पानी पहुंचाने की बात है इरिगेशन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इरिगेशन का, वाटर वहां पहुंचे ताकि लोग अपनी काश्तकारी कर सके। तो आपको भी मैं दावत देता हूं, और भी हमारे सीनियर एनालिस्ट आए वहां चल के विजिट करें कि उसके मुस्तकिल हल के लिए जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्स। बहुत शुक्रिया आपने थर के हवाले से हमने बात की, मजीद मसाइल पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त हुआ ब्रेक का। एक बार फिर खुश आमदेद। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे थर के मुतासरीन की और उनके साथ जो सलूक बरता जा रहा है उसके हवाले से। एक और मसला जिसका पाकिस्तान को सामना है मौलाना साहब, वो पोलियो का है, और पोलियो के हवाले से पाकिस्तान में कंट्रोल अभी तक नहीं किया जा रहा। अभी कुछ देर पहले हम टिकट भी चला रहे थे कि जो आलमी पोलियो बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने यूनिसेफ के आलमी सरबराह को हंगामी खत लिखा है और पाकिस्तान में जो पोलियो के बढ़ते हुए केसेज हैं उनके कंट्रोल के हवाले से बात की। तो पाकिस्तान तो पहले ही तनहा है ही सही, अब मजीद तनहा किया जा रहा है इसको। देखिए बात यह है, जब तक आप विल से, अपनी लगन से और आपकी नीयत और इरादे ठीक ना हो, मसला हल नहीं हो सकता। पोलियो के मामले में बहुत से मशकूक किरदार हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जहां पर इस्लाह की जरूरत है, और इसमें अब वजीर आजम साहब ने कुछ दिलचस्पी लेनी शुरू की है, लेकिन मैं समझता हूं कि खुद वजीर आजम पोलियो सेल जो है उसमें बहुत सारी तब्दीलियों की जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि पिछले साल की निस्बत इस साल पोलियो के केसेस ज्यादा हुए हैं? पंजाब के अंदर आप देखें, यहां बड़ी मेहनत की है जो पंजाब के वजीर हैं सलमान रफीक साहब, उन्होंने रेलवे स्टेशनों में पता नहीं कहां कहां डब्बे वब्बे खड़े किए, हर जगह पोलियो वैक्सीन देने की कोशिश की। क्यों नहीं कराची में ये काम हो पा रहा, क्यों नहीं खैबर पख्तूनख्वा में ये हो पा रहा? हालांकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक वक्त में अपने MPA MNA साहिबान को निकाला था इस पर्पज के लिए, लेकिन कुछ ऐसे किरदार हैं जो नहीं चाहते कि यहां से पोलियो खत्म हो। पूरे पूरे चार चार पेजेस हम देते हैं पोलियो के ऊपर, उनमें आधे आधे पेजेस में कहीं पोलियो का जिक्र ही नहीं होता। ये इश्तिहार है, आप ये एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो ये इसलिए कि बहुत से लोगों का इससे अब मफाद रिस्क वाबस्ता हो चुका है, इसको तो हमें एक मिशन के तौर पर अपनाना होगा। हंगामी तौर पर क्या करना होगा? हंगामी तौर पर तो बिल्कुल ये है कि वजीर आजम साहब खुद इसको अपने कंट्रोल में ले, और ये जो बैठी हुई टीमें हैं मुख्तलिफ NGOs की और खुद वजीर आजम पोलियो सेल में कुछ जो है, इनकी जगह वो लोग लाएं जो वाकई काम करना चाहते हों, जो सिर्फ दौरे ना करना जानते हों। क्यों बढ़ गया जी पोलियो?
अगर पिछले साल कम रहा तो इस साल क्यों ज्यादा हो गया। हर चीज हम वजीरिस्तान वालों पे डाल देते हैं। वजीरिस्तान के उलमा ने और उनके बड़ों ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भाई ये तीन लोग हैं जिनकी वजह से ये पोलियो बढ़ रहा है, यूनिसेफ, हुकूमत और जो इदारे हैं यहां कुछ एनजीओ है। और ये भी बात है कि आप अगर देखें ये जो सारा सिलसिला चल रहा है इसके अंदर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, नुकसान हो रहा है दिन ब दिन, ये सारा कुछ सामने आना चाहिए। अगर बाहर से फंडिंग आ रही है तो किसको आ रही है, कहां इस्तेमाल हो रही है, क्या हो रहा है, ये सारा कुछ जो है जब तक सामने नहीं आएगा और वो मशकूक किरदार जो सुबह शाम जो है पोलियो खत्म करवाने की बजाय पोलियो के बढ़ने के मंसूबे बनाते हैं उनके बारे में भी गौर करना होगा। जो कराची जैसे शहर में, रहीम यार खान जैसे शहरों में हमले होते हैं पोलियो टीम्स पर, उनके वर्कर्स पर, ये किस हद तक, देखिए ना, ये यही मैं कहता हूं कि जब तवज्जो नहीं होगी आपकी, जब कोई आप स्ट्रेटजी बनाएंगे नहीं। देखिए अल्ताफ भाई यहां तक राजी हो गए थे कराची में कि वो पोलियो वर्कर्स के साथ अपने लोगों को भेजेंगे, एमयूएम वहां कराची की बड़ी जमात है, पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने कहा हम इम्मा मसाजिद देने को तैयार है, मुफ्ती बड़े बड़े जो हैं हाजी अनीफ तैयब साहब, मुफ्ती रफी उस्मानी साहब, मौलाना समीउल हक साहब, मौलाना जाहिद कासमी, ये हजरात जो थे इन्होंने मुसलसल जरा करके इस बात के इस नतीजे पर पहुंचे कि पोलियो वैक्सीन में कोई हराम चीज नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर आगे इस्तेमाल ही नहीं करना, आपने उसके लिए कोई ऐसा रास्ता बनाना ही नहीं है कि जिससे ये मर्ज खत्म हो, तो फिर दुनिया आपकी तरफ उंगली क्यों ना उठाए। अभी तो आपके ऊपर सिर्फ ये पाबंदी है कि आप कतरे पीकर जाएं, और अभी हाजियों के साथ ये हुआ कि उन्होंने वहां रोक के उनको दोबारा पिलाए कि ले जी आप कतरे पिए, क्योंकि हमें नहीं पता आपकी ये सर्टिफिकेट जाली ना लेकर आ गए हों। तो जब आपकी ये कैफियत हो तो फिर क्या, जिस तरह बाकी अभी हमने देखा ही है शाह साहब को, इसी तरह बाकी भी सो रहे हैं और मुझे उड़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं इजाफा करना चाहूंगा कि अब ये भी कहा गया है कि अगर पोलियो वायरस हो किसी शख्स में, किसी मुल्क में, तो उसे वापस भेज दिया जाए। ये भी अभी कुछ देर पहले, तो ये तो होगा जी, ये तो अभी सिर्फ उसको नहीं, मेरा मुझे ये डर है कि जो दूसरे लोग जाते हैं सफरों पर उनके लिए भी कई सख्त पाबंदियां ना आ जाए। और ये संजीदगी से देखने वाले मामलात हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें वजारत सेहत की नाकामी को तस्लीम किया जाना चाहिए, वजीर आजम पोलियो सेल की नाकामी को तस्लीम किया जाना चाहिए और अब सरे नौ हिकमत अमली बनानी चाहिए। देखिए जो पिछला दौर था उसमें डॉक्टर शहनाज वजीर अली थी, आसमा भुट्टो की निगरानी में ये चल रहा था मामला, उसमें बड़ी कामयाबियां भी हैं लेकिन कुछ नाकामियां भी हैं, तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है, करना देखने की जरूरत है। ठीक है, आपने संजीदगी की बात की है तो आजकल संजीदगी से एक और चीज को भी हल करने की जरूरत है, वो है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात। और बड़े इस मरतबा लगता है कि कुछ खास ही जो है मुखालफत है, अभी जैसे कि आज जलसा रैली थी, जलसे में तब्दील हो गई और काफी सख्त बयान भी दिए गए हैं। देखिए बात यह है कि सियासी लड़ाई, मैं समझता हूं उसमें भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको ये ख्याल आना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था। ठीक है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन बहरहाल उम्र में अभी छोटे हैं। उन्होंने जो जुबान जिस अंदाज से, यानी जो उनका लहजा था, जो पुकार थी, मेरा ख्याल है वो थोड़ी सी तकलीफ दे है, तकलीफ दे है। अल्ताफ भाई को भी उन्होंने रगड़ दिया, बाकी तरफ भी आप जरूर तनकीद करें, आप पॉलिसियों में तनकीद करें, आप एक पार्टी के सरबराह हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने जियाले को वापस एतमाद देना है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल कर ले। और दूसरी बात जो खुर्शीद शाह साहब वाली अभी चली असल है, बात उसी पे वो फोकस कर रहे हैं कि तो उसमें मैं ये अर्ज करूंगा, मेरी आज अल्ताफ भाई से बात भी हुई है, वो हमेशा मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, उनसे मेरा, मैंने उन्हें अर्ज किया है कि अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता इस्लाम को छोड़ दे, मुर्तद हो जाए, तो उस पर भी तीन बार इस्लाम पेश करना जो है जरूरी है। काजी की अदालत में उसको ले जाएंगे, इस्लाम दोबारा उससे पूछा जाएगा कि किस बुनियाद पे क्या हुआ है जो आपने इस्लाम को छोड़ा है। खुर्शीद शाह साहब को वजाहत करनी चाहिए, एमक्यूएम को वजाहत मांगनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि फतवों से जो है, क्योंकि आगे हमारे यहां फतवेबाजी बहुत है, अब सलमान तासीर साहब का वाकया हम सबके इलम में है, तो मेरा मैंने ये दरखास्त की है, पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने ये दरखास्त अल्ताफ हुसैन साहब से की है और खुर्शीद शाह साहब से भी की है कि जी अगर अल्ताफ हुसैन साहब और एमकेएम राबता कमेटी जो है कोई वजाहत इस अंदाज की मांगते हैं तो आपको वजाहत करनी चाहिए,
आपको अगर जिलाधारी लोगों की हुई है, लफ्ज मुहाजिर जो है कुल्लियतन नहीं बोलना चाहिए था। मुहाजिर के लफ्ज की बड़ी निस्बत है, बड़ा उसका एक जो है ताल्लुक है, एक मकाम है। तो हमें मालूम है कि आपने, आप खुद मुहाजिर हैं, आप सैयद हैं, आप आए हैं हिजरत करके। मैं मुहाजिर हूं, मेरा दादाजी इंडिया से आए थे। लेकिन हमें ख्याल ये करना चाहिए, ये पहले भी आपको पता है, हम अपने प्रोग्रामों में सियासी क्यादत से अर्ज करते आए हैं कि आप मजहबी जो जुमलेबाजी है ये ना किया करें। तो इस खैर मकदम इससे मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह इससे अच्छे असरात आएंगे, इससे जो है मुस्बत मुझे उम्मीद है कि चीज पैदा होगी, खुर्शीद शाह साहब की तरफ से भी और एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से भी, और इसमें उलमा को भी किरदार अदा करना चाहिए ताकि इसका कोई मुस्बत हल निकले। इस अंदाज से आगे हमारे यहां इंतहा, और मैं समझता हूं कि अगर ये हल पेश किया जाता है तो इससे वो जो फतवेबाजी है उसको भी बड़ा रुकने में मदद मिलेगी। कि इस्लाम ये नहीं है कि दीवार के साथ जाके लगा देता है, वो हल भी साथ पेश करता है। तो मेरा ख्याल है, और बाकी मेरा ख्याल है कि ऐसी बयानबाजी से जिससे इश्तियाल पैदा हो गुरेज करना चाहिए। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो गया है, इसमें तमाम तर तवज्जो जो है, क्योंकि एमक्यूएम पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, बाकी मकामात में भी, लेकिन बिलखसूस अमनो अमान के हवाले से सिंध हुकूमत पर भी बड़ी जिम्मेदारी है वफाकी, तो उस तरफ सारी तवज्जो जो है मबजूल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सियासी सूरत हाल और अमनो अमान पर भी बात करेंगे, लेकिन इस पर प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदद कहते हैं आपको। डॉक्टर ताहिर कादरी का जिक्र करेंगे, और डॉक्टर ताहिर कादरी के हवाले से आपसे तीन हफ्ते पहले मौलाना ताहिर अशरफी ने जो जो कुछ कहा वो मेरे मन पूरा हुआ, और धरना भी खत्म हो चुका है, जलसों का उन्होंने खैर आगाज किया। जो जो कुछ कहा ताहिर अशरफी साहब ने, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं, उस पर फिर मौलाना साहब से बात करूंगा। नाज़रीन पहले आप ये देख लीजिए, और ये कुछ देर में दिखाएंगे, क्योंकि ये जो बातें की गई हैं तीन हफ्ते पहले की हैं, जो जो कुछ कहा डॉक्टर ताहिर कादरी के धरने के हवाले से और उनके मुस्तकबिल के हवाले से, और अब जो जिस तरह से बैरूनी दौरों के हवाले से भी बात हो रही है, ये तमाम तर चीजें मौलाना ताहिर अशरफी ने कही थी। मौलाना साहब आपके पास भी क्या कुछ चिड़िया वीडिया आ गई है जो ये आपने पहले से बता दिया? ये बात यह है कि ये जो टीवी की दुनिया है या प्रोग्राम पे जब आप आते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ती है, मालूम होनी चाहिए आपको, आपके जो देखने वाले हैं उनसे बदयामती तो नहीं करनी चाहिए। तो कुछ मेरी मालूमात थी कि धरने खत्म हो रहे हैं, वो मालूमात क्या थी पहले वो नासिर को दिखा देते हैं, जो कुछ आपने कहा था ना ये देखिए। आपने ये जलसे शुरू किए हैं, इसके बाद आप थोड़ा आराम और इस्तराहत के लिए चले जाएंगे, इसमें कोई हकीकत है या खान साहब का एक बयान ही है ये आपके हवाले से? देखिए जी, ये मेरा फैसला है और मेरी जिद्दोजहद है, इस पर किसी और को क्या साराई करने और किसी और को अपना गुमान जाहिर करने का उसूलन को हक नहीं पहुंचता। बार सूरत मैंने ये कई बार ऐलान कर दिया है कि पिछले 8 साल मेरा क्याम कनाडा में था और पाकिस्तान